हमारी शादी नहीं होगी। पापा, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी ये शादी नहीं होगी। ऐसा मत कीजिए, हमारी इज्जत आपके हाथों में। ऐसा मत कीजिए। ये फिल्म समाज में यौन शिक्षा के महत्व को उजागर करने के लिए बनाई गई है और किसी भी रूप में यौन समस्या के समाधान का दावा नहीं करती है और किसी भी तरह के यौन आचरण को बिना विशेषज्ञ द्वारा सलाह लिए अपनाने का सुझाव नहीं देती। यौन शिक्षा के प्रति सामाजिक जागृति ही इस फिल्म का मूल उद्देश्य है। कहानी को रुचिकर बनाने के लिए काल्पनिक दृश्य इत्यादि चुने गए हैं जिनका उद्देश्य किसी भी व्यवसाय से जुड़े विशेषज्ञों का अपमान करना नहीं है। फिल्म में व्यक्त विचार पूर्णतः व्यक्तिगत है और किसी भी धर्म विशेष द्वारा प्रमाणित किए जाने का दावा नहीं करते हैं। फिल्म की धार्मिक पृष्ठभूमि भी पूरी तरह काल्पनिक है। Thank you.
आकाश मोबाइल बंद कर ले भैया, मोबाइल बंद कर ले, मोबाइल अलाउ नहीं है। बच्चों का हाथ पकड़ के रखे, सेल्फी अलाउ नहीं है। ओ लाल शर्ट वाले भैया, हाँ सेल्फी अलाउ नहीं है। मंदिर प्रांगण में सेल्फी अलाउ नहीं है। रखे भगवान को भक्ति चढ़ेगी सभी शांति, भगवान को भक्ति चढ़ेगी सभी शांति से देखे। श्रद्धालु समस्त भगवान को शांति से देखे, भगवान को भक्ति चढ़ती है शांति से देखे। कौशल का इस्तेमाल करें वन एक्सपैट्स। तुम फिर भी दुम 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 का जाप लगा रही हो। तब कब बोली? मैंने तो नहीं सुनी। तुमने मेरी सुनी है आज तक?
अरे बेटा ला के नहीं दिया इसका मेल और फीमेल भी तो देखो ना कहीं कहीं पे मेल कॉर्ड फीमेल स्लॉट घुसेगा इसमें टूट जाएगा ना जाओ जाओ ताकि विवेक से मांगो उसके पास ये किसका बैग है अरे बेटा वो कोई ग्राहक भूल गया था दुकान में ऊपर रख दे लगा दे ऊपर ओ चाय का ऑर्डर जो दिया था बरामदे में जो क्या पता है उसके बाद चाय तो खजुराहो और ये ओंकारेश्वर भी जा सकते हैं देखने फिर इसके बाद अरसिद्धि माता फिर कहाँ कह लो वहाँ प्रसाद नहीं चढ़े वहाँ बदिरा चढ़े कहीं हो कैसे आ रही हो मैं बता देगा चंदू बता देगा हाँ कौन सा हॉस्पिटल देखो देखो पापा क्या हुआ इतने अरे कहीं हो चुप हो जाओ इमेज कॉलेज से एडमिट किया है अरे मामा कोई कुछ नहीं बताई रही है डॉक्टर साहब बोले सिर्फ आपसे ही मिले मेरे कहाँ उसके बाद भी पता नहीं कहे घर वाली प्रेग्नेंट हो गई कैसे पड़ गई डाले डाले वाला था कोई वो तो नाम था उसका मैं समझाता हूँ एक बार एक शिकारी भूल से बंदूक की जगह छाता लेके जंगल चला गया शेर का शिकार कर लिया अच्छा तभी रास्ते में शेर आ गया उसने छाता बंदूक की तरह ताना और धुआं है शेर मर गया अरे कहीं मजाक करो डॉक्टर साहब छाता से कोई शेर मरी होगी हैं गोली किसी और ने चलाई होगी हाँ वही तो मैं समझा रहा हूँ गोली किसी और ने चलाई होगी तभी तो यही मैस्टरबेशन का केस है समझ रहे हो अब तो आप
आपके बेटे को यह भी मालूम पड़ चुका है कि आपको भी पता हो चुकी है ये बात। समझिए उसको कैसा लगेगा। सॉरी बच्चे गिल्ट में बढ़ जाते हैं, उनको लगता है कि उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा अपराध किया है, पाप किया है, वो कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। प्लीज हैंडल विद केयर, बहुत ही सेंसिटिव मामला है। आप फैमिली को भेज दीजिए और थोड़ी देर बाद देखे जाइए उसे। भाइयों को क्यों? अरे जैन कहाँ गया? वो तो चला गया। चला गया? कैसे कहीं हुआ? अरे बहुत बड़ों के लिए है जैन, कुछ नहीं, अपना विवेक रात को जगे दिया था पढ़ाई के लिए, बीते चढ़े हुए उल्टी हो गई, डर के मारे यहाँ ले आया उसे। पागल जय बाबा महादेव, जय श्री महादेव। देखो बोल दे, मोना की मम्मी हुए तो बोल दे सब ठीक है। तुम पूरे बोलने में भाषा बजाई क्या हो? अस्पताल जा रही हूँ, अस्पताल जा रही। अरे मम्मी तो फोन आती ही रोने लगी, रिक्शा वाले तो शमशान ले जा रहा, मैंने बोला तो घुमाया। सुनो तुम घर जाओ, विवेक अभी सो रही है, उसको लेकर मैं आम घर आ। जाओ सुनो, कोई पूछे हुआ तो पित्त चढ़ गया था कुछ और वो हो गई हार्ट अटैक। जा चलने जा इनको जा। सिलेक्ट किया करते हैं नहीं ना।
फिर उतना ही रहेगा तेरा। क्या बड़ा कर ले पहले बेटा, बड़ा सिम बंद कर ले पहले, फिर बात कर। रोमेल और उसके दोस्तों की बातें विवेक को चुप गई थी, वो डिस्टर्ब हो गया था। वो उसी रात मेरे घर आया और उसने अपना सही से किया और वो पूरी रात कंप्यूटर पर रिसर्च करता रहा। रोमेल सही कह रहा था यार, मुझमें ही प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम? यस आइस, उसको ठीक करना पड़ेगा यार, नहीं तो आज सोफी ने मुझे रिजेक्ट किया है और कल कोई और होगी। देख क्या लिखा है यहाँ पे, स्मॉल साइज लीड्स टू डिप्रेशन, सेक्स लाइफ बर्बाद होती है, वाइफ छोड़ देती है, यू कमिट सुसाइड। कुछ तो करना पड़ेगा यार, कुछ तो करना पड़ेगा। मैंने सोचा कि मुझे भी अपना साइज मालूम करना चाहिए, बट मैं विवेक की हालत देख के बहुत डर गया था अंकल। उस दिन के बाद विवेक बहुत टेंस रहने लगा था, वो क्लास में भी चुपचाप रहता। फिर हमने डिसाइड किया कि बायोलॉजी के नागदेव सर से बात करेंगे। सर सर मेरा एक डाउट था, इज आवर फिंगर लेंथ एंड द साइज ऑफ आवर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रोपोर्शनल? गो गो यू शेमलेस। विवेक श्योर हो गया था कि रोमेल और उसके दोस्त सच कह रहे हैं कि मास्टरबेशन से साइज बढ़ता है, और मैं समझ गया कि विवेक अब क्या करने लगा। वो सही कर रहा है या गलत मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर एक दिन हम लोग रास्ते से जा रहे थे और मुझे एक आवाज आई, अरे नीचे चाहिए ताज है तखत, या आपका औजार होना चाहिए सखत, गिल्ली है तो डंडा, अलग डंडा है तो खंभा हो जाएगा, और अगर आपका बल्ब फ्यूज है ना तो पड़ोसी को फायदा हो जाएगा, हमारा ये तेल आपका चार गुना बढ़ाएगा, आपको मजा आ जाएगा, गारंटी हमारी जुबान है, नहीं होवे कोई नुकसान है। ये सेल्फी लेता है, पर इफ यू कुड गिव अस सम मेडिसिन दैट वुड इंक्रीज द साइज। सब 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 साइज वाइज सब बढ़ जाएगा, लगा लो ये तेल, खुद चलेगी रे। एक की जगह 10 शीशी खाली कर दी, पर एक इंच क्या, एक सेंटीमीटर, एक मिलीमीटर भी बात आगे नहीं बढ़ी। जिस बात को हम टीचर से पूछने में शर्मा रहे थे, वो नॉलेज हुए को स्कूल के विंडो के बाहर मिली। ये लो, ये लपेटे तो उस जगह पे है, थोड़ा कस के ऐसे। इससे करंट तो नहीं लगेगा ना? अरे उसका करंट यहाँ नजर आएगा। क्या किया है तुमने? बल्ब रेड प्रेशर कम, बहुत प्रॉब्लम है, तो ठीक हो जाना चाहिए। अपने पुण्य के साथ खेलो, पर इस दवा के साथ। पर उससे कुछ फायदा हो ही नहीं रहा, उल्टा टेंशन और बढ़ी, उसने पढ़ना भी छोड़ दिया। मोस्ट ऑफ द टाइम वो वॉशरूम में रहता या फिर रोता रहता, हर समय मुझसे पूछता कि एम आई अ बैड बॉय। स्कूल में भी रोमेल और उसके दोस्त को चिढ़ाते रहते थे, इसलिए फाइनली मैंने रोमेल के दोस्त अनूप से सल्यूशन के लिए पूछा, तो उसने बताया कि इंदर मेडिकल पे एक साइज बढ़ाने की गोली मिलती है, बस कोडवर्ड में जाके पूछना है कि अंकल हाइट बढ़ाने की गोली है। फाइनली उसने एक गोली खा ली, पर एक्साइटमेंट में उसे लगा कि कुछ हो ही नहीं रहा, तो उसने एक के बाद एक तीन गोलियां खा ली और फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ा। तुमने नहीं ली गोली? मैंने सोचा कि पहले विवेक एक्सपेरिमेंट कर ले फिर मैं करूँगा। यह बात और किस किस को पता है? डॉक्टर बस। बेटा किसी को बताना भी नहीं ना, इतो बड़ा हो गया, इतो बड़ा हो गया तब बेटा हमारी औकात नहीं थी लोगों के हाथ पैर जोड़ी जोड़ी के मिन्नत खुशामद करी करके तुम्हारा एडमिशन करवाया यहाँ के सबसे बड़े स्कूल में, और कहीं करी दिया है तू, कहीं करी दिया है तू, कसम खा, खा कसम, खा कसम बाबा की, ये सब नहीं करेगा। बोल बेटा
कसम खाए थे। मामा वो काम नहीं करती। तो अच्छे संस्कार की उम्मीद रख ही सकते हैं ना। आपके बेटे ने मेरे केवल इस स्कूल की नहीं, इस राज्य में मेरे 32 के 32 स्कूल की रेपुटेशन पर थूक दिया है। अगर आप इनके परिचित ना होते ना, तो मैं इसका ऐसा रस्टिकेशन सर्टिफिकेट बनाता कि इस दुनिया में कहीं भी कभी भी आगे बढ़ नहीं पाता। हाथ जोड़ी के क्षमा मांग रही हूँ, आपके पैर पड़ रही हूँ महाराज। आप जरा शांति से सोचो। मैं भरोसा दे दिया हूँ ये इसकी पहली और आखिरी गलती। आइंदा से ऐसा कुछ भी नहीं करे वो। महाराज तरस खो, ऐसे मत ही करो। माफ कर दो, माफी मांग। सॉरी बोल सर को, सॉरी बोल, माफ कर दो। बाप बेटे दोनों माफी मांग रहे थे, ऐसा मत ही करो महाराज। महाराज समझो, महाराज गांधी जी आइए मेरे साथ, आइए 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 आइए। कैसे बाप अपने बच्चे को ध्यान में नहीं रख सका था, ऐसो गंदोखा, और वो भी स्कूल में। छी, ये कोई छोटी बात नहीं है। तुम्हारा नाम हमसे जोड़ो है, सवाल तुम पे भी उठे वो और हम पे भी उठे। अच्छा होगा कुछ दिनों के लिए तुम लोग यहाँ से कहीं बाहर निकल जाओ, जब तक मामला ठंडा हो गए, समझे ना। जाओ चलो चलो जाओ।
और तू ना भाइयों के साथ स्कूल जाया कर, वो तुझसे बड़ा हो गया टेप से पहले। क्या किया तूने? है क्या किया? दमोद तू गई नहीं स्कूल? ऐसा कहीं क्यों इसने जो ये मेरे से भी बड़ा हो गया? तुमने देखते लाज नहीं आई? हाँ उसे करते हुए लाज ना आई, वो भी स्कूल में। मम्मी बात कर, कहीं क्यों आया? कुछ नहीं स्कूल में बता ही देनी। फोन चुप रह जा मोना की मम्मी, ज्यादा फैलाओ नहीं मत को। बता देना मतलब गलत क्यों नहीं तेरे छोटे मादे की कृपा है हमारे ऊपर। मारी तनु की दोस्ती नहीं है विवेक के साथ। अच्छा कहने को कहीं मतलब है तनु की माँ? मारी मोना की उंगली ना उठाना। हमारी सानिया का तो नाम भी मत ही निकालना, बोल दे रहे हैं। देख रहे हो तो कितना गुस्सा है। आप काम देखो, काम जल्दी। मम्मी कहीं कह रही है मुझे ना इधर किनारे चढ़ो। आज तक बिन मांगे आपने सब कुछ दिया, फिर मेरे बच्चे का भविष्य अंधकार में क्यों जा रहा है? महाराज मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, अब आप ही आके राह दिखाओ, विवेक की रक्षा करो। सपना देख रहे हैं? वन एक्स बैट के साथ जीत कर इसे अभी पूरा करें। किसी भी खेल पर बैट लगाएं, पोकर या कैसीनो में जीते, साइबर स्पोर्ट पर बैट लगाएं या स्लॉट खेलें और आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी खरीद सकते हैं। वन एक्स बैट की साइट पर जाएं और अपनी पहली जमा राशि पर 100% बोनस प्राप्त करें। तुम जानता था नहीं विवेक ने कहीं कहीं क्यों विवेक ने ना पूछो पता है सब। हमारी बात सुनो पहले, तुम सुनो सब समझा देंगे तुमको। एक काम करो आज रात ही निकलना है तुम्हारे बहन के यहाँ शाहजहांपुर, कुछ दिन के लिए फिर देखेंगे। चलो हाँ, अरे तुम तैयारी करो सुनो, बता देंगे तुमको सब। विवेक कहाँ गया? जय श्री महादेव। हाँ जी हाँ जी बोल रही हूँ। थाने आ जाइए। कहीं कहीं वकील को लेके? वकील लेके आपके छोरे पे कंप्लेन हुई है, वो थाने में। माँ कल थाने आ जाइए। हाँ 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 आ रही हूँ आ रही हूँ। हाँ हाँ आ रही हूँ। क्या हुआ? हे महादेव। विवेक को क्या हुआ? कृपा करो। अरे मेरा पूरे पूरे शंकर में मेरा सामान नहीं मिला। बोला बाला मत समझना मुझे। तुम सब मेरा गुस्सा नहीं जानते। पिछली बार जब गरम हुआ तो 13 दिन लगे थे। 13 दिन लगे थे ठंडा होने के लिए। जरा ठंडा होकर रिपोर्ट लिखाओ। आग लगा दूंगा। और शहर के बारे में उल्टा सीधा मत बोलना। यहाँ महाकाल का राज है समझे? उसी को बोलो मेरा सामान देने के लिए। अच्छा बस यही काम बचा उनके पास। ए लाचन उठाओ इसे यार। विद्या की रिपोर्ट। भैया जी ये मिलो है तुम्हारे बेटे के पास से। वो तो अच्छा हो इनके वॉचमैन ने धर ली हो, नहीं तो मर्डर कर देता वो इनके लड़के का। नाम क्या है भैया? उसका नाम रोमिल, रोमिल डिकोस्टा। अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगाने के लिए कह रहे हैं ये, देख लो।
आपस में फैसला कर लो क्या करना है। नहीं तो पुलिस के पास ज्यादा टाइम नहीं होता है, टीवी देखते वक्त बहुत काम कर रही होती बेचारे। एक चुप। ठीक है बाजवान ने पकड़ा, ठीक है पर मारा क्यों छोरे को? हाथ नहीं लगाना चाहिए था। ओ हेलो एक्सक्यूज मी, बच्चा पार्टी कर रहे इसकी जी बात भी हो यार। अरे अजीब तो आप लोग हैं जो बच्चे पे हाथ उठा के कानून को अपने हाथ में ले लिया है। सेक्शन 345-346 एक पे एक फ्री। को हाथ में नहीं लिया है, हाथ पकड़ कर कानून के पास ले गया है। चलो मैं कोर्ट में चलो साइलेंस में करता हूं, यहां नहीं चल। साइलेंस साइलेंस बी साइलेंस। कांति शरण मुद्गिल जी राय को मारना चाह रहा है, तुम्हारा छोरा इनके छोरे का। मेरा विवेक तो भलो लड़का है। ओ शराब ऐसा लड़का है, सब जानते हैं आपके बेटे को कैसा लड़का है। निर्लज्ज। अरे अरे लगता है वीडियो नहीं देखा आपने। वीडियो कौन सा वीडियो? कुछ नया है क्या व्हाट्सएप पे? मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए ना। अरे दीदी ये मारपीट की घटना से वीडियो का कहां ले रहे हो? दिखा रहा हूं भाई। अरे मतलब जी आप हाथ पीछे रख दीजिए, मुझे छुपा रहे हो तुम, देखने दो। कौन सा सब्जेक्ट है भैया? खाती शरद जी बड़ा पाला लड़का है तुम्हारा, जम के पढ़ाई कर रहा है। छोरा जाओ जाओ आओ बोले ना। एक क्रिमिनल के सारे गुण दिख रहे हैं तुम में, हाथ से चक्कू चलाते हो, उसी हाथ से आप गाड़ी चलाते हो, यही सब पढ़ते हो क्या स्कूल में? वो स्कूल से पूछो, तुम्हें घास मारनी दे रहा हूं।
पैर घिसकाओ। थके हुए हैं, खुद ही खिसका लो। जय मां काल नहीं बोलोगे? चलिए बैठिए, आइए। कहाँ शाहजहापुर जा रहे हो? हैं? अरे सवेरे सवेरे तो वहीं की गाड़ी जाती है ना। कहीं हुआ तुम्हारे गले में? कुछ नहीं, किसी का जहर पीना पड़ गया था। सामान को क्या हुआ? मिलो, मेरे सामान की छोड़ो, अपनी चिंता करो। वो नहीं रुकेगा। मुन नहीं रुकेगा? आपका छोरा विवेक, हम भी जानते हैं क्या सही है क्या गलत है।
महाराज तुम तो उल्टी गंगा बहा रहे हो। गंगा कहां से बहती है इसके बारे में मुझे मत बता। शाहजहापुर भाग जाने से सब ठीक हो जाएगा तुम्हें लगता है? वहां लोग नहीं बसते, उन लोगों के पास मोबाइल नहीं है। कुछ दिन छुप जाने से क्या तुम्हारे बेटे के अपराध बहुत ठीक हो जाएंगे? कांति, अपराध वो छुपाने से नहीं, वो ये सच जानने से ठीक होगा कि उसने कोई गलत काम नहीं किया। गलती बाकियों की है, माफी उसने नहीं, तुम लोगों ने उससे मांगनी चाहिए। तब जाके और सिर्फ तब जाके उस सर उठाकर छीन पाएगा। अच्छा, पर ये सब होगा कैसे? अपन लोग जाकर उनसे बोलेंगे तुमने गलती की है, सॉरी बोलो, और वो लोग मान जाएंगे? अरे महाराज, पहले तुम तो मानो कि गलती तुम्हारी है, उसके बाद दूसरों का नंबर आएगा। ये माफी मंगवाने से बस ठीक हो जाएगा विवेक, तुम मंगवा सकते हो सबसे। मैं तुम्हारा वकील थोड़ी, अगर होते तो होता तो मैं उन्हें कोर्ट में घसीटता, मानहानि का दावा करता और उनसे माफी मांगता। याद रखो गांधी, युद्ध है ये, अभी जो भागोगे तो गलत, लड़ोगे वही सही। देना होगा। ड्राइवर की इमरजेंसी ब्रेक मारने की वजह से ये अपनी सीट से गिरा,
और इसके दोनों हाथ टूट गए। ये इनका इकलौता बेटा है, इनके बुढ़ापे का सहारा है, वो जो अब गाड़ी का उठाने के लिए हाथ नहीं उठा सकता। माय लॉर्ड आप ही बताइए, अब इन्हें जीवन भर इसे बैठ के खिला। डरो मत मिट्टू, चॉकलेट पसंद है? गुड बॉय। ये अरे पकड़ो पकड़ो, ट्राई ट्राई। सर मिला ये क्या मजाक कर रही लड़के के साथ? दो मिनट से जस्ट दो मिनट। सर ठीक है सर, क्या कम ऑन ट्राई सर, कुछ कहिए सर। सर रोकिए, ट्राई ट्राई इसको, मैं नहीं कर सकता। प्लीज प्लीज वेट वेट, वो हाथ नहीं उठा सकता। आई जस्ट वांट टू सी नुकसान कितना होगा। दो मिनट बस, जस्ट टू मिनट सर। माय लॉर्ड इधर रुकिए, ट्राई पकड़ो पकड़ो ट्राई। मुझे बताओ कि स्कूल अच्छा लगता है और मस्ती करना खेलना? मुझे पता है तुम रिसेस में खाना नहीं खाते हो, खेलते रहते हो। अच्छा बताओ क्या खेलते हो? क्रिकेट। बैटिंग या बॉलिंग? बैटिंग। फील्डिंग नहीं? अच्छा अब ये बताओ कि पहले जब तुम कैच पकड़ते थे तब तुम्हारे हाथ कितने ऊपर जाते थे? वो मामला डिफेमेशन का यानी मानहानि का है और हम लोग कोई बड़ी बड़ी अमाउंट डिमांड नहीं कर रहे हैं। आई गॉट लेट, एक और हियरिंग थी। अरे कामिनी जी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। व्हाट ब्रिंग्स यू टू माय कोर्ट? किसका केस लड़ रही हैं? सर वो द इंटरनेशनल स्कूल, मेरे फादर इन लॉ का। ऑफ कोर्स माय सन शौर्य स्टडीिंग देयर। ओ या ऑफ कोर्स। हां मुंदरा जी बोलिए। सेक्शन 499 देख रहा हूं यार। 11 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए, 101 रुपए, माफी के साथ महाकाल पे चढ़ावा। ये क्या है, मानहानी का दावा है या चढ़ावे की मांग है? योर ऑनर, मेरे क्लाइंट कांति शरण मुद्गल के बेटे विवेक मुद्गल को अश्लील कहके स्कूल से निकाला गया है और ये सब जो हुआ है वो इनकी नकली दवाइयां, झूठा भरोसा, इलीगल सेल ऑफ ड्रग्स, शिक्षा में लापरवाही और इन्होंने ठीक से परवरिश ना करने के कारण हुआ है। आई डिमांड एन अपोलॉजी लेटर फ्रॉम देम ऑल। बच्चे को स्कूल में वापस ले और ये जो सर, इफ यू डोंट माइंड कैन आई जस्ट स्पीक टू देम फॉर 2 मिनट्स? यस यस ऑफ कोर्स कामिनी, प्लीज गो अहेड। थैंक यू। आप सर, आप भी। सर मैं? जी जी जी, अपने वकील जानते हैं। चारों को मैं मेरी छोरी को कल विटनेस तौर पर बुला के सबके सामने पूछेगी कि तुम्हारा छोरा वीडियो में कहीं कर रही है। तो क्या हुआ बता देना, उनको माफ कर दो भैया यार। वैसे आप श्योर सर ये केस तो आगे जाएगा नहीं? इट्स लिटरली वेस्ट ऑफ कोर्ट्स प्रेशियस टाइम। बाकी आपको जैसे वकील साहब तो भाग दिए महाराज, अब 2 मिनट तो मैं परिसर से दूसरा वकील घर के ला दिया हूँ। क्या लगता है आपको, मंदिर है ये, हाथ बढ़ाएंगे आप प्रसाद मिल जाएगा? कोर्ट को और कोई काम नहीं, खाली बैठा आपके लिए। वी हैव अदर थिंग्स टू डू। वही तो समय नहीं हमारे पास। वही दे दो जो सबको देते हो महाराज। क्या तारीख? अगर केस में सब्सटेंस नहीं हुआ ना तो डिसमिस कर दो। थैंक यू सर।
छान करके रखे हैं अलग से। ये केस एकदम बेबुनियाद है। इनका बेटा स्कूल के बाथरूम में कुछ
गलत करते हुए कहीं 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 गलत करते हुए पाए। देखिए आप इस तरह बीच में मत बोलिए। इफ यू हैव ऑब्जेक्शन, अगर आपको ऑब्जेक्शन है आप खड़े होके बोलिए ऑब्जेक्शन। आपत्ति है बोलिए, आपत्ति है। आपत्ति है बोलिए, आपत्ति। महाराज खड़े हो गए, और खड़े हो तो देखिए खड़े हैं तो खड़े हैं, खड़े होके ऑब्जेक्शन बोलिए। लेकिन जब बैठे हैं तो खड़े होके ऑब्जेक्शन बोलना है। खड़े हैं तो खड़े खड़े, बैठे हैं तो खड़े होके। जी आओ बीच में आओ, आओ समझ गए। ठीक है, इनका बेटा स्कूल के बाथरूम में मास्टरबेट करता हुआ पाया गया। खड़े खड़े आपत्ति है महाराज। कामिनी जी जो बात कह रही है इसके पीछे का कुछ लिखो पढ़ो गयो बतायो गयो कोई प्रमाण हो महाराज। सस्टेन, सस्टेन बोलिए, सस्टेन। बोल दिया, सस्टेन नहीं बोलिए, आपको जो कहना है आप वो बोलिए। हाँ हाँ महाराज, हाँ हाँ, हस्त मैथुन गलत है, ये कहीं लिखो है, किसी ने कहो है? नहीं, क्योंकि नहीं, जब अगर कहीं लिखो नहीं, किसी ने कहो नहीं, फिर आपने गलत कैसे कही? जरूरी नहीं हर गलत बात किसी किताब में लिखी हो, मॉरली गलत है, इसलिए मॉरल ग्राउंड्स पर स्कूल ने विवेक को रस्टिकेट किया, उसी बात का गुस्सा निकालने के लिए और अपने बेटे की हरकत पर पर्दा डालने के लिए इन्होंने स्कूल और बाकी इन सब पर मारहाने का केस डाल दिया। महाराज बोल लो है, बोलिए बोलिए। महाराज हमारे बच्चे ने जो भी किया वो अज्ञानता, जिज्ञासा और बहकावे में किया, अगर उसको स्कूल वाले काम शास्त्र की अच्छे शिक्षा देते तो ये हरकत कभी नहीं करता, और ना ही कोई बच्चा उसका वीडियो बनाता, और ना ही ये सब उसको मूर्ख बनाते। बस आपके लिए स्कूल जिम्मेदार है महाराज। महाराज आपको मालूम नहीं है बच्चे का क्या हाल हुआ है, मेरे सर उठा के चल नहीं पा रही है, घर से निकल नहीं पा रही है, आत्महत्या करने जा रही है। अपन अपन अपने को भी दोषी मान रही है, उसके परवरिश के लिए, उसके लिए महाराज ये 101 रुपया रखे के अपन माफी मांग रहे हैं। अब इनसे कहिए स्कूल भी 101 रुपया दे और माफी मांग ले बस, और बच्चे का दाखिला ले ले वापस। माय लॉर्ड, स्टेट में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई स्कूल नहीं होगा जिसके सिलेबस में मैस्टरबेट कैसे करते हैं सिखाते हो। महाराज फिर आपत्ति है, पर वहां के सिलेबस में तो वो भी नहीं लिखा था, वो सालस लसा, पर वहां तो स्कूल सिखाए हो। सालस लसा महाराज, ही मींस सालसा डांस। ओ डांस डांस महाराज, वो को करिकुलर एक्टिविटी होती है जिसके कंसेंट फॉर्म पर आपने साइन किया है एज ए गार्जियन। My Lord, please dismiss this case. कल को कोई भी बच्चा शिप्रा नदी में कूद कर डूब गया, उसके पेरेंट्स भी स्कूल को कोर्ट में ले आएंगे, कहेंगे आपने तैरना नहीं सिखाया। This is absolutely ridiculous. गांधी जी, ये सब स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता, अगर पढ़ाया जाता तो आपकी बात सुनी जाती। And otherwise also गांधी जी, you can't blame people just like that and bring them to court. You're wasting court's time. आपका केस रजिस्टर नहीं कर रहे। महाराज 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 एक मिनट, एक पुस्तक दिखानी है, निकाल बेटा। सर महाराज यह एक पुस्तक है, ईसा मसीह के पैदा होने से 200 वर्ष पहले लिखी गई थी, इसका अनुवाद लगभग 60 भाषाओं में हुआ है महाराज, और इसकी कहानियां ग्रीस, पर्सिया, अरेबिया, यूरोप और न जाने कहां कहां, उनके संग संग भारत में भी बच्चों के सिलेबस में पढ़ावे जावे, पर बच्चा भी पढ़ेगा। ये महाराज आपसे अनुमति चाहूंगा, इसका पहलो पन्ना पढ़ना चाहता हूं। राजा, उस पुत्र के होने से क्या लाभ जो शिक्षित ना हो। मंत्री, महाराज 12 साल लगते हैं व्याकरण सीखने को, और फिर विज्ञान, अर्थशास्त्र, धर्म और काम शास्त्र की शिक्षा पाकर आपका पुत्र शिक्षित भी हो जाएगा और समर्पित भी। पुस्तक पंचतंत्र, लेखक विष्णु शर्मा। महाराज अब तुम बताओ, आज से 2200 साल पहले भारतवर्ष में जब काम शास्त्र सिखाया जा रहा था, तो फिर इन्होंने हमारे बच्चे को सिखाया क्यों नहीं, और सिखाना बंद क्यों, तो किसने, कब और क्यों किया? मुझे सोच कर भी शर्म आ रही है कि आप अपने बेटे के इस वल्गर एक्ट को कैसे डिफेंड कर सकते हैं। वल्गर एक्ट महाराज, वल्गर चोली का वल्गर, अश्लील कृत्य, अश्लील कृत्य, अश्लील कृत्य, अश्लील, अश्लील जी महाराज, गलत बात किताबों में नहीं लिखी जाती,
सही लिखे जावे। चंदू किताब निकाल। महाराज तामसूत्र चरक संहिता आयुर्वेद इनमें कहीं नहीं लिखा है कि हस्त मैथुन अश्लीलता है मां बाप होवे। अश्लीलता कहीं होवे? क्या होवे अश्लीलता महाराज? शिवलिंग से हमारा शहर जानो जाए पूरी देश दुनिया में, यहां तक कि वहां के विद्यालय में वो स्थापित है और पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार शक्ति की योनि से बाहर निकले हैं शिवलिंग। वहां को हम पूजा करते हैं, शायद दूध चढ़ाते हैं, स्पर्श करते हैं। इतना ही नहीं, कृष्ण कहते हैं धर्म विरोधो भूतेषु कामोऽस्मि, अर्थात मैं ही काम हूं। देवता के मन में जो पहली इच्छा जागी वातो काम, तब जाके सृष्टि की रचना हुई। हम आप ये वो सब पैदा हुए महाराज। किन्नी हो गए महाराज? ये खजुराहो, अजंता, एलोरा, यह सब अगर अश्लील है तो इन्हें बच्चों को फ्री और बड़े बूढ़ों को 100-150 का टिकट टैक्स लगाकर क्यों दिखा रही हूँ महाराज? कहीं है ये सब? कहीं हो रही है महाराज? जी क्या हो रही है? देखो, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जिस सनातन धर्म के चार स्तंभ है उन्हें आप अश्लील कह रही हैं। आप क्या कहना चाहते हैं कि आपके बेटे ने जो किया उसे ही किया? स्कूल अगर और अच्छे से सिखाती तो वो और अच्छे से करता। सेक्स सिखाते हैं उसे? आपत्ति है महाराज। सेक्स एजुकेशन विज्ञान होवे है जो सेक्स से संबंधित सही गलत उचित अनुचित का ज्ञान देवे। अगर यह स्कूल हमारे बच्चे को सिखाता तो आज हंसी का पात्र नहीं होता वो। तो इन दैट केस आपको एजुकेशन सिस्टम पर केस करना चाहिए था ना, स्कूल पर नहीं? फिर वही बात महाराज, आपका टाटा के ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, चालक की गलती से बायां पैर निकल गया, आप अपाहिज हो गए महाराज जी, तो आप चालक पे केस करेंगे आदरणीय श्री टाटा जी पर? वो तो गनीमत है, मैं इनसे केवल माफी मांगने को कह दिया हूँ महाराज। उसके मानसिक नुकसान की भरपाई तो ये कर भी नहीं सकते। महाराज इनसे बोलिए सॉरी बोले और और, और और पैसे जमा करा दे, बस आपके सम्मान। डेढ़ साल बोली रही है। कामिनी जीवा, आई थिंक ही हैज अ पॉइंट। गांधी जी आपकी बात में बात है तो इसलिए इस बात पे बात होनी चाहिए। हाँ महाराज, बात तो होनी चाहिए और मुकदमा भी होना चाहिए। जी गांधी जी, आपकी बात में बात है, सो आई रजिस्टर योर केस। सारे शहर में थू थू हो रहे हैं, हमारे फोन पर फोन आ रहे हैं, जवाब देना मुश्किल हो रहा है। जय श्री मंदिर। गांधी जी आप अपने बेटे का केस लड़िए, पर यहां के कर्मचारी बन के नहीं। हम नहीं चाहते कि लोग आपके विचारों को मेरी आवाज और मेरे विचार समझकर सुने। आप मेरा घर और दुकान खाली कर दीजिए। जय महादेव। कौन जाएंगे? हमारे मालिक ये नहीं, ये महाकाल। रख विश्वास, हम हैं शिव के दास।
see my face. चलो ना यार, नहीं नहीं, चलो निभा ना यार, बेटा भी है। क्यों भैया? तुम जानते हो क्या इनको? हाँ? पर मैंने सुना बहुत बढ़िया डिस्कशन हो रहा है। तो चलो यार, तुम? अपन भी। कामिनी जी, जस्ट फॉर रिकॉर्ड, क्या मेरे कोर्ट में तो कभी इतना क्राउड आया नहीं, सो आई थॉट लेट्स कैप्चर द मोमेंट। जय श्री महादेव। ऑर्डर ऑर्डर। कामिनी जी प्रोसीड। थैंक यू सर। सर बिफोर आई प्रोसीड आई वुड लाइक टू रीकन्फर्म वंस अगेन कि क्या ये कोर्ट, ये सोसाइटी सेक्स पर ओपन डिस्कशन के लिए तैयार है? बाद में फिर ये पलट ना जाए। महाराज महाराज महाराज, अब जो चीज 24 घंटे इंटरनेट और वो वीडियो पे उपलब्ध है उसके लिए किसको आपत्ति होगी? नहीं नहीं नहीं, कोई सारी दुनिया देख रही है महाराज। गुड, वेरी गुड। मकवाना जी अंदर लाइए। बच्चों के साथ क्लास में नहीं बैठना होगा, स्कूल के बाद अलग से टीचर्स अकेले में पढ़ाएंगे, लाइक रिमीडियल क्लासेस, तब चलेगा? देखो ना, भगाओ जाके उसको। जामा
ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन जैसे हार्मोन निकलते हैं जिससे उत्तेजना उत्तेजना से सुख और सुख से अद्भुत शांति का अनुभव होता है। ये यौन संतुष्टि हेतु सभी करते हैं। सर ये तो काफी पढ़ा सिखा कर लाए महाराज, अगर स्कूल वाले पढ़ाते तो भी यही उत्तर देती। ऑर्डर ऑर्डर। अरे ऑर्डर बोल रही है जज महाराज। हाँ किए जा रहे हो तुम लोग। कामिनी जी, डू यू वांट टू टेक इट फर्दर? नो सर, आप जा सकते हैं। जय श्री महादेव। तुम सर नर्स गई है क्या? मम्मी वॉशरूम बोले ना, सुनने में कैसे गंदा सा लगता है। क्या गंदा बोली मैं? संडास। संडास को संडास नहीं बोलो तो और क्या बोलो? वो बोलो जो समाज को या कान को सुनने में अच्छो लगे। जो कान को अच्छो लगे वो अच्छो हो जावे। वैसे ही जो शब्द गंदो चित्र बनावे है, कोई अन्य शब्द या भाषा उसे अच्छो भी बना देवे। समझे?
समझी? समझी? हो इंदुमती, कहीं कहे थे उसको? संडास? कौन गोबर सर्दे की है औरत? इंदुमती कांति शरण मुद्गल हाजिर हो। बहुत ही आजाद ख्यालात का परिवार है आपका। आप बताएंगे बतौर पति कांति बाई कैसे हैं? जी बतौर राम है। गुड। अब आप बताइए कि आपकी शादी की पहली रात का एक्सपीरियंस अनुभव क्या था? आपत्ति है महाराज, हमारे वैवाहिक जीवन से मतलब कहीं संबंध है इसका? बिल्कुल संबंध है सर। मैं जानना चाहती हूँ कि जो आदमी सेक्स एडुकेशन बोले जा रहा है, इसे अपने बेटे को देने की इतनी हिमायत कर रहा है, वो खुद अपने परिवार पे इसे लागू करता है कि नहीं? मैं जानना चाहती हूँ कि जब इस तरह के शर्मिंदा कर देने वाले सवाल इनके परिवार से पूछे जाएं, तो ये क्या जवाब देते हैं? जवाब दीजिए। आप तो कह रहे थे ये विवेक के बारे में पूछेंगे, ये तो आपका पूछ रहे हैं। क्या करूं बता दो। सज्जन था, एक ही कमरे में सोते थे, एक पर दो थो बीच में। रात हुई, ये दूध पिए सोई गया, फिर ऐसे ही दो बच्चे हो गए। पर हुआ क्या था? महाराज महाराज आपत्ति और कहीं पूछना है इनको? इंदु ने जवाब दे तो दियो, दूध पिए सो गए और दो बच्चे हो गए। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। सर मैं सैटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे जानना है और खुलकर बताएं। वही हो जिससे तुम आई, मैं आई, जज साहब आया। तुम्हारे बच्चे कौन हैं? नहीं फिर तुमको नहीं पता होगा। जज साहब तुम्हारे हैं बच्चे? हैं तुम्हारे? उनको पता होगा, फिर उनको पूछ लो बच्चे कैसे होते, बताई दो। ठीक है आप जा सकते। इनकी फैमिली तो पूरी तैयारी के साथ आई है सो। ऐसी बातें जिन्हें कोई शरीफ परिवार सुनना तक पसंद नहीं करेगा, ये लोग इतना नॉर्मल होके जवाब दे रहे हैं सिर्फ एक बात प्रूफ करने के लिए कि अगर ये इतना नॉर्मल होकर सेक्स पर बात कर सकते हैं तो स्कूल क्यों नहीं। इनका इंटेंशन मेरे स्कूल को सिर्फ इनका इंटेंशन मेरे क्लाइंट को सिर्फ बदनाम करने का है, वो भी ऐसे शर्मनाक हरकत के लिए जो उनके बेटे ने की है। महाराज महाराज ये शर्मनाक हरकत है, नैसर्गिक प्रक्रिया है, तो आप तय करेंगे ये कब से जज हो गई। महाराज आप काम करो, उठ जाओ, इनको बैठने दो, जाइए उठिए उठिए, खाली कीजिए, साबू जी खाली करो, महाराज जाइए बैठिए। क्यों महाराज? महाराज नहीं 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 बैठो बैठो महाराज, प्रैंक कर लिया था महाराज। अरे माफ कर दो सर सर, मैं तो मैं मजाक कर लिया था महाराज, माफ कर दो महाराज, माफ कर दो महाराज, मैं तो प्रैंक कर ही रहा था महाराज 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 महाराज। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? व्हाट डू यू थिंक, इट्स अ पिकनिक स्पॉट, पिकनिक पर आए आप लोग? इससे कोर्ट रूम शर्म नहीं आती आपको? कचौड़ी में दही डाल के मुंह में टूस टूस कर खा रहे हैं? अंदर करो दो दिन और खाने को बोलो। शट अप, क्या कर रहे हैं? फोकस, निकलिए बाहर, क्या कर रहे हैं? जल्दी कीजिए, कोर्ट में काम करने लौट रहे हैं आपको पता है, जल्दी कीजिए। कामिनी जी प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। आई एम सॉरी सर, आई विल, बट सिर्फ अच्छी भाषा का उपयोग करके ये परिवार इतनी गंदी बातें कैसे कर सकता है सर? आपत्ति है महाराज, हमारे विवेक ने जो कियो वह एक नैसर्गिक प्रक्रिया थी महाराज, बस इतनी सी बात स्कूल को समझ नहीं आ रही है महाराज? इनको तो दरअसल सेक्स शब्द सुनो ही नहीं है।
सर ही फेल्स टू अंडरस्टैंड कि इनके बेटे ने जो ये गंदा काम किया है वो एक स्कूल के अंदर किया है, उस स्कूल के अंदर जिसे विद्या का मंदिर माना जाता है, जिसकी स्टेट में एक पहचान है, क्रेडिबिलिटी है, वो स्कूल जो अपने बच्चों में कोई भेदभाव नहीं करता। और ये बात प्रूफ करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी अपनी अगली गवाह को। मैम प्लीज आइए, प्लीज अंदर आइए, जगह बनाइए, प्लीज आइए। मैम आपका बेटा समुदय इंटरनेशनल में पढ़ता है जी? पढ़ता है। मैम आप जज साहब को बताएंगी कि आप क्या काम करती हैं? प्लीज मत शर्माइए, समुदय आपके साथ है। बोलिए मैम, प्लीज बोलिए। जी मैं एक सेक्स वर्कर। जिस स्कूल पर ये मानहानि का आरोप लगा रहे हैं वो स्कूल एक सेक्स वर्कर के बच्चे को भी पढ़ाता है। प्रोफेशनली बाहर आप कुछ भी करें बट स्कूल के अंदर आपका बच्चा स्कॉलर बने, कामयाब हो, इसका ख्याल स्कूल रखता है। अब अगर स्कूल ने अपने बाकी बच्चों के हित में एक डिसिप्लिनरी एक्शन लिया है तो क्या गलत किया? कामिनी जी यू हैव अ पॉइंट। कांति जी कुछ पूछना चाहेंगे आप? महाराज फैसला दे दियो। कोर्ट विल रिज्यूम ऑन फ्राइडे आफ्टर लंच। दुकान गई, घर गया, इस केस के चक्कर में अब चोरा भी जाएगा हाथ से। He needs to refrain from बच्चे से ये पूछे तो सवाल, और मैं पूछ दिया हूं तो फिर वहीं पर कर।
रूल नंबर। कांति जी प्लीज। हाँ महाराज, हाँ ये 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 दूसरा वालों आसन ये आवे देखिए। ये क्या बेहुदा सवाल पूछ रहे हैं सर? बेहुदा सवाल नहीं है ये, जिस काम से अपने बच्चे का शिक्षा दीक्षा करा रहे हैं और कोई नहीं तो कम से कम ये तो उस काम का सम्मान करते होंगे। कांति जी आप सवाल पूछिए ना। हाँ आपने बताया नहीं। आते किसने सिखाया? वो दीदी ने सिखाया था। और दीदी को उनके दीदी ने शायद सिखाया। क्यों सिखाया होगा इन सवाल से? जवाब तो बोलिए, किस लिए ये आसन सिखाए हो? ताकि हम मर्दों को खुशी दे सके। महाराज मर्दों को खुशी दे सके? ये मर्दों को खुशी देने की प्रक्रिया में थोड़ी बहुत खुशी आपको भी मिलती है। I object, Your Honor, once again, this is about a woman's dignity. Has to refrain from us. बेटा आसन जवाब तो सुन लीजिए। Let her finish. हाँ तो आपको भी आनंद आवे? नहीं नहीं कभी नहीं। मतलब कोई तो ऐसा हो वो जो कभी कभार जो आपको भी मतलब आपको अच्छा लगता हो, पसंद आता हो, क्षणिक सुख दे जाए। देखो ऐसा साहब, लोग हमारे पास अपने मजे के लिए आते हैं, अपनी खुशी के लिए, हमारी खुशी के लिए नहीं। हमारी क्या इज्जत? क्यों? अरे क्यों क्या, उन लोगों को औरत का शरीर और मन के बारे में क्या पता होता है? कुछ लोग नोचने के लिए आते हैं, कुछ उल्टे सुलटे काम करने के लिए आते हैं, और जो कुछ नहीं कर पाते ना साहब, वो अपना माथा पकड़ के हमारे सामने रोने के लिए आते हैं। इसका अर्थ ये हो कि जैसे आपको दीदी ने सिखाया, अगर उन पुरुषों को स्त्री के मन और शरीर के बारे में सिखाया गया हो तो आपको परेशानी नहीं होती। जवाब तो शायद नहीं होती। एक और सवाल करूंगा महाराज, मैं आपके बच्चे को उज्जवल भविष्य के लिए बाबा से प्रार्थना करूंगा। मैं सिर्फ ये जानना चाहे हूं कि आप अपने बच्चे को कहां देखना चाहती हैं? उन अज्ञानी लोगों की भीड़ में जो आपके पास आते हैं, या पढ़े लिखे शिक्षित काम शास्त्र के जानकार जो अपनी प्रेमिका पत्नी औरत के शरीर और मन का सम्मान करें, इज्जत करें, उनके बीच में आप अपने बच्चे को कहां देखना चाह रही हैं बता दीजिए। आपका 4 इंच बढ़ाएगा,
जी के कसम हाई कोर्ट को बहुत मजा आ रहा है। किसे हाई कोर्ट में ले सकते हो? ए ए ए ए ए ए स्टॉप इट स्टॉप इट रोको स्टॉप इट। यू सेड हाई कोर्ट इज अ कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट। चलो अंदर मेरे मालिक को 7 दिन के अंदर 1000 रुपए फाइन करो लेके जाओ। अरे कायदा आप ये कर के ले जाओ, एक बार माफ कर दीजिए बस। खबरदार जो हाई कोर्ट का नाम लिया तो कभी भी करूंगा मैं। आप समझे क्यों? मैं छोड़ दो जाने बस। ये लो ना ना पकड़ो। अरे पकड़ो महाराज। अब डॉक्टर मालवीय को बुलाना चाहूं। डॉक्टर मालवीय हाजिर हो। मैडम डॉक्टर महाराज आपका परीक्षण कहीं क्या हुआ है तेल के बारे में? मैडम मैंने इस तेल को इस्तेमाल किया, यूजलेस। अब इसे मेरी वाइफ सिलाई मशीन में इस्तेमाल कर रही है। सिलाई मशीन तेजी से भाग रही है, एकदम फटाफट सर चट 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 स्मूथ। बट सुई नो डेवलपमेंट होती होती। ऑर्डर ऑर्डर महाराज। डॉक्टर बी डी शाह और उनकी जादुई मशीनें आ सके? डॉक्टर बी डी शाह और उनकी जादुई मशीन हाजिर हो। ये मशीन दवाई का फायदा होता है इससे? होता है साहब, होता है। झूठ क्यों बोले, कभी कभी नहीं भी होता है। सब बदन की तासीर का खेल हो। और ये मशीन बहुत पुरानी है, इम्पॉर्टेंट है। महाराज इस मशीन ने हमारे बच्चे को भरोसा दिया कि उसकी मर्दानगी में समस्या है। महाराज आप पंच परमेश्वर है, आप जांच कर लो इसको। महाराज करवा लो। ऑर्डर लेट्स चेक दिस आउट। भाई आज तो काफी लोग आए हैं, कोई 10-12 लोग जिन्हें लगता हो वो फिट है। आ जाइए एक एक करके टेस्ट करते हैं। पर सैनी पहला नंबर तुम्हारा। सर यू आर द फर्स्ट वन। को को सर जो लबे तो फिट ही होंगे, आपका टेस्ट करते हैं। आइए आइए चलिए आइए। ये भेदभाव देख लो महाराज। बाल भारती ये बछड़ा स्तनपान कर लिया है,
ये तो बतावे, लेकिन माँ स्तनपान करावे है ये बताने में शर्म आया ही नहीं। सर दिस इज नॉट भेदभाव, दिस इज साइंस। और हाँ भाई बताओ, अगर पढ़ाए गए हो तो तुम्हारा छोरा ले तू ये दवा। बोलो महाराज, बताओ बताओ, बोलिए। पता नहीं, शायद नहीं, शायद नहीं। तो विवेक की या गलत फहमी दूर करने की जिम्मेवारी किसकी है? कॉमन आंसर, सब परिवार की। हाँ हाँ, और किसकी? बताओ बताओ, और किसकी? बताओ बताओ, और किसकी? स्कूल स्कूल की। क्या? कहीं स्कूल की? जज महाराज, स्कूल की। अगर स्कूल वहां नहीं पढ़ाएगा ना, तो ये विश्वविद्यालय तैयार है पढ़ाने के लिए, और पढ़ा दिया है सदियों से। महाराज, मैं और हमारा परिवार तो अपनी गलती मान रही है, बट स्कूल नहीं मान रहा कि उससे गलती हुई है। ये जैसे तैसे किसी भी तरह स्कूल को घुमा फिराकर बाद में ले ही आते हैं। ये क्या चाहते हैं कि स्कूल में मेल टीचर फीमेल स्टूडेंट को, फीमेल टीचर मेल स्टूडेंट को सेक्स पढ़ाए? ओके, पढ़ाएंगे कैसे? अब लड़का लड़की के कपड़े उतार रहा है, अब लड़का लड़की को यहां वहां हाथ लगा रहा है, अब लड़का इट्स जस्ट रिडिकुलस। सर, है कोई यहां जिसके पास कोई तरीका है पढ़ाने का? ओके सर, आप पढ़ा सकते हैं? यू सी योर ऑनर, बोलना हमेशा आसान होता है, पर प्रैक्टिकली इट्स वेरी डिफिकल्ट। जवाब दीजिए गांधी जी, आप सिखा सकते हैं? नहीं महाराज, मैं शिक्षक नहीं हूं ना, हमारे पास इनसे कहिए या तो खुद कोई तरीका ढूंढे जो वल्गर ना हो, जिससे कोर्स के साथ इंटरकोर्स भी खुलकर पढ़ा सके, या फिर अपना केस वापस ले। चलिए कोर्ट आपको समय देती है, आप सोच लीजिए। कोर्ट रिज्यूम्स आफ्टर शिवरात्रि।
आज तो अच्छा कर देते हो तुम। अरे क्या अच्छा कर रहे हो, दूसरों के संकट दूर करने का फल भुगत रहे हो। पहले मेरा सामान गया, फिर इनका डांसर भाग गया, बड़े बाल देखकर ट्रक पे चढ़ा दिए, बोले ना चोर ढेर सारे रुपए मिलेंगे। क्या प्रकार है भाई, तो चोरी दो देना। और अच्छे लग रहे हो तुम, पता नहीं लग रहे अच्छे। बेटा ठीक है तुम्हारा? नहीं, नाराज चल रही हो। उसको लगता है केस नहीं करना चाहिए था, मैं ये केस करके पूरे समाज के सामने उसको नंगा कर ही दिया हूँ। हो गया क्या वो नंगा? मतलब नहीं, मतलब बोलकर नग्न कर रहे हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर तुम भी आधा छुपाना चाहते हो आधा बताना चाहते हो तब तो तुम्हारी समस्या कभी दूर नहीं होगी। बात को दबाओ मत, खुल के कहो, सत्य हमेशा नग्न होगा, उसे कहने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। अरे हो गया कि नहीं भैया? दो ये लो। अरे क्या हुआ, क्या सोच रहे हो आंटी भाई? हो ये लो पकड़ो। महाराज तुम्हारी बात तो आधी हमारे साइड से निकल जावे है, आप सीधे सीधे क्यों नहीं बोलते? भाइयों मैं जब भी बोलता हूँ सीधे और सत्य ही बोलता हूँ, क्योंकि मेरे लिए जो सबसे सुंदर है वही सत्य है, और जो सत्य है वही शिव है। मैं केवल और केवल सत्य में विश्वास रखता हूँ, तुम भी रखो विश्वास, क्योंकि तुम हो शिव के दास, शिव के पास। चलो चलता हूँ। भाई पैसे दो, आशीर्वाद नहीं चाहिए, पैसे चाहिए। चलो मैं दे रही हूँ, मैं दे देता हूँ, अपना हिसाब बाकी है। चलो ले लो भैया। और सुनो कचोरी देख के खा, ठीक है? चलो भाई चलता हूँ। Thank you very much for the compliment.
महाराज धन्यवाद इनका, इनके कारण मैं फिर से अपनी सभ्यता संस्कृति ग्रंथों को पढ़ पाया। महाराज कुछ लोग वेद पुराण उपनिषद को मजाक उड़ावे उपहास करें उसका, पर यह सत्य है महाराज कि जब पूरी दुनिया करवट ले रही थी तो हमारा सनातन हिंदू धर्म दौड़ दिया था महाराज, मॉडर्न थो आधुनिक। महाराज हमारे ग्रंथों में कितना सुंदर लिखा है, स्त्री की योनि पवित्र होवे है जिसमें वीर्य की आहुति जीवन को जन्म देवे है। बहुत ही सरल सुंदर भाषा में लिखो है जो आसानी से किसी को भी समझाया जा सके। उदाहरण जैसे मैं अभी कामिनी जी के सौंदर्य का वर्णन कर रहा था सुंदर शब्दों में। ऑब्जेक्शन सर, ये क्या कहना चाह रहे हैं, इस बात का क्या लिंक है, व्हाट इज इट प्रूफ? जी कामिनी जी, कांती जी आप सिर्फ इतना बताइए कि स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन, सेक्स कैसे पढ़ाया जाए, बस इतना बताइए। खुल के हाँ महाराज बिल्कुल खुल के, जैसो है वैसो, सब कुछ सत्य, बिना कुछ छुपाए नंगे। वो दिखा चाट दीजिए महाराज, ये चित्र देती है महाराज। और प्रयोगशाला में महाराज या चित्र पाए जाए इनके भी विद्यालय में, हम बताते हैं बच्चों को ये आंख है मुंह है नाक है, वैसा ही बताए या लिंग है या योनि है, कहीं छुपावे है महाराज बच्चों से ये सब, पेट कमर के बाद सीधे घुटना बीच कांड हमारा नहीं है क्या, क्यों नहीं पढ़ा है महाराज बीच कांड? Because they're private parts, secret organs. हाँ महाराज। गुप्त अंग। गुप्त अंग। जी गुप्त अंग। किसने नाम दियो गुप्त अंग? हम ही सब बोले। महाराज जब कोई भी नवजात बच्चा पैदा हो गए तो सबसे पहले महाराज रजिस्टर में उसका लिंग लिखे जावे है, सेक्स मेल फीमेल। महाराज जन्म प्रमाण पत्र से लेके मृत्यु प्रमाण पत्र तक बाकी पहचान होवे है लिंग, और उसी पहचान की बात करने में बताने में हमें शर्म आ रही है महाराज। What is this? Ridiculous. तो आप क्या चाहते हैं कि बच्चों को सब खोल खाल के बताएं कि ये पीनस है ये वजाइना है ये? हाँ महाराज, क्यों नहीं बता सके हैं कि योनि है या लिंग है, हमारी गलती है महाराज, बचपन से उन्हें हम कभी नुन्नी टुल्लू चुन्नी फुन्नी कभी शेम शेम और न जाने कई कई नामों से बुलाए रहे हैं, बस सही नाम नहीं बतावे, अगर सही नाम बतावे तो पढ़ाने भी आसान हो जाए महाराज। सर अगेन हाउ इज इट पॉसिबल, चलिए मान लेते हैं कि आपकी मॉडर्न सोसाइटी से एक्सेप्ट कर ले, बट गांव में कस्बों में टूटे और सिटीज छोटे शहर वहां की सोच लाइफस्टाइल अलग है सर, वो कभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। महाराज उनका शरीर नहीं हो गए, उनके शरीर में ये लिंग योनि अस्था नहीं हो गए महाराज। सर आई ऑब्जेक्ट, पहले तो उनसे कहिए कि प्लीज मुझे तमीज से बात करें, आई एम नॉट कंफर्टेबल जिस तरह की ये भाषा। तो कुछ देर पहले आप यही सुन के मुस्कुरा रही थी और मुझे थैंक यू बोल रही थी, पता नहीं क्या बोला है तुमने। महाराज सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी जिस शब्द को छुपाते आ गया है, अब समय आ गया उसे नयो नाम देने को महाराज। वैसो का वैसो, सब कुछ सत्य सत्य अपने बच्चों को बताने को, कि योनि को पवित्र लिंग से समागम नयो जीवन को जन्म देवे है, और इसी प्रक्रिया से पूरी दुनिया पैदा हुई है, हम आप ये वो सब महाराज, और यही इस संसार का परम सत्य है और यही सबसे सुंदर भेंट है। सर ये सारा ड्रामा इसलिए हो रहा है ताकि अपने बेटे को विश्वास दिला सके कि उसने कोई गलत काम नहीं किया, दैट्स इट। बट द ग्राउंड रियलिटी इज कि कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को ये सब नहीं सिखाना चाहेगा। सर है कोई यहाँ, है यहाँ कोई जो अपने बच्चे को स्कूल में सेक्स सिखाना चाहता हो? हाथ खड़ी करिए। मैं सिखाऊंगा। आपका पता है और कोई है? शर्माइए जी। 1, 2, 2% यस, 98% नो।
कांति जी आपको आइडिया ही नहीं है कि आप जो कह रहे हैं अगर वो हो गया तो उसका अंजाम क्या होगा। सब खुल जाएंगे सर, अभी तो फिर भी थोड़ा बहुत शर्म है, लिहाज है, औरतों का चलना मुश्किल हो जाएगा। आ सोसाइटी विल कंप्लीटली गो वल्गर डिस्ट्रॉयड। महाराज हमारा देश भी पोर्नोग्राफी देखने में पीछे नहीं है। महाराज वो हैदराबाद में डॉक्टर का हृदय विदारक रेप हुआ, 88% इंटरनेट यूजर ने वह का नाम सर्च किया कहीं देखने के लिए। वह कौन है? ये है हमारा सभ्य समाज महाराज। हमारे देश में 18 वर्ष के नीचे 54% लड़के और 47% लड़कियां सेक्सुअल अब्यूज यौन शोषण के शिकार हो गए, और उन बेचारों को नहीं पता सही स्पर्श गुड टच बैड टच कहीं हो गए, और आरोपी ज्यादातर आसपास के लोग। महाराज ये पुस्तक निकाल जल्दी। महाराज पद्मश्री डॉक्टर प्रकाश कोठारी भारत के मशहूर चिकित्सक, वो कहे हैं कि 96% पुरुष और 76% स्त्री हस्त मैथुन करे हैं, और यह एक सामान्य और स्वस्थ प्रक्रिया है। महाराज एक बात दिखाना चाहूंगा, यह दैनिक अखबार हमारे प्रदेश का सबसे ज्यादा छपने और बिकने वाला हिंदी दैनिक, एक कॉलम पढ़ना चाहूंगा। महाराज मेरा बॉयफ्रेंड ने कल मुझे लिप पर किस कर दिया, क्या मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी? मैं चार से बात छत मैथुन करता हूँ, मैं आगे जाकर कमजोर तो नहीं हो जाऊंगा? मेरा पति ज्यादा दूध पीता है इसलिए वाका फिर ऑर्डर। मैं अपने पति के दोस्त के साथ सोना चाहता हूँ। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। मेरा बॉयफ्रेंड मुझे जबरदस्ती करता है, क्या ऑर्डर का काउंट घर पे कर सकता हूँ? ऑर्डर। यह अखबार के दो पन्ने भरे पड़े हैं इससे, अगर स्कूल सिखा तो ये पन्ने नहीं होते महाराज। और क्या पता कोई 12 वर्ष का बालक अपनी आयु 24 बता के सवाल पूछ लिया हो। अश्लीलता महाराज, ये अश्लीलता पढ़ाना तो ज्ञान हो गए। और कमाल की बात महाराज कि अखबार के मालिक इनके ससुर आदरणीय अटल नाथ जी हैं। पखंड दोहरा चरित्र देखो महाराज, छापे तो है पर पढ़ानो नहीं चाह में। स्टेटमेंट रेडी कर लीजिए। आप भी अगली तारीख 16th सेक्स एजुकेशन की जरूरत को लेकर कांति जी ने पूरे देश में बहुत ही बड़ी बहस छेड़ दी है। कह तो सही रहा है पर इस देश में सही बात सुनता कौन है? इट्स द नीड ऑफ द आवर एंड समवन शुड हैव स्पोकन अबाउट इट एंड द मोमेंट हैज स्टार्टेड। इट्स ब्रिलियंट बट मेन शुड लर्न अबाउट कॉम्प्लेंट। इट्स इंपॉर्टेंट। कांति भाऊ जे बोलतात ते बरोबर आहे, मी तर त्यांना सपोर्ट करणार। ऑफ कोर्स वी मस्ट टॉक अबाउट इट। एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है जिसके पास जरूर होनी चाहिए। हाँ होनी चाहिए। हमने ना जब अपनी प्रेग्नेंट टीचर को पूछा, मैम ये क्या हुआ, तो उन्होंने बोला बेटा ये ना भगवान की देन है। अगर टीचर को पढ़ाने में शर्म आ रही है तो हमें बताओ पढ़ाने, हम पढ़ाएंगे। ज्यादा बोलने से जबान कमजोर नहीं होती और चुप रहने से जबान ताकतवर नहीं बनती। प्राइवेट पार्ट में भी बिल्कुल वैसा ही है, हस्त मैथुन से बिल्कुल हानि नहीं होती। क्या लोग उनके सपोर्ट में दबी आवाज में बोल रहे हैं, वहीं सोसाइटी का एक बड़ा सेक्शन इसे सिरे से नकार रहा है। गांधी शरण का कोर्ट के अलग अलग पंथ और समुदाय के लोगों के बीच काफी बहस और विवाद का मुद्दा उठा रहा है। इस बीच स्कूल प्रशासन ने भी इन पत्रों की टिप्पणी करने से मना कर दिया है। कब तक अपन बच्चों को रंगों के सहारे समझाते रहेंगे कि इसके हाथ पीले कर दो नहीं तो ये मुंह काला कर देगी या देगा, ये समझो। नहीं बच्चों को छुपाने से क्या होगा, बात करेंगे उनको समझाएंगे कि सही स्पर्श गुड टच बेड टच के हो गए हैं, तभी तो जाके वो अपने माता पिता से बात कर पाएंगे, उन्हें समझा पाएंगे। Come on.
भैया कांति सरन जी, 42 पुलिस कंप्लेंट है तुम्हारे पे, देश भर के धार्मिक प्रतिष्ठानों से धर्म के नाम पे वल्गैरिटी ऑप्शन टी फैलाने के लिए, और जे 22 जनित याचिका पता नहीं कहां कहां से, और 6 नॉन अवेलेबल वारंट 72 के करीब, और जे 73वें गुवाहाटी से समन, यहां तो आज रोना ही पड़ेगा भैया तुम्हें। तो आज 14 कल 15 और कल तो तुम्हें गुवाहाटी कोर्ट में पेश होने, तो भैया 16 तक तो वापस नहीं आ पाओगे नहीं ना, जो वहां पेश नहीं होगे तो फिर अरेस्ट होगे। तो भैया साल भर के ना तुम्हारी ट्रिप की प्लानिंग कर ली है स्कूल वालों ने। हेलो ओ जी, हाँ जी जी जी, मिलना चाहे हैं वो अटल नाथ माहेश्वरी जी। गांधी भैया, महेश्वरी जी एक सज्जन व्यक्ति हैं, वो अभी भी आपका और विवेक का भला चाहते हैं, और उस बात का प्रमाण है ये चेक, 1 करोड़ रुपया, ताकि आप विवेक का एडमिशन प्रदेश के सबसे बड़े और बेस्ट बोर्डिंग स्कूल में करवा सके। बस स्कूल चाहता यह है कोर्ट में जाओ, सबके सामने सॉरी बोलो, और समझौते पर दस्तखत करके केस वापस ले लो, इसी में सबका भला है। ले लो, अपने बेटे के भविष्य का सोचो, ले लो मान जाओ, अपने बेटे का भविष्य सोचो मान जाओ। मानेंगे क्यों नहीं, जब मैं अपने बेटे के भविष्य के लिए इतना सोच रहा हूं तो ये अपने बेटे के भविष्य को अंधकार में क्यों रखे गए। साइन कीजिए। साइन कीजिए। भगवान भी जाएगी। खबर दे दी गई है, जब तुमने सब कुछ शिप पर छोड़ दिया था तो अपनी दुर्बुद्धि क्यों लगाई,
था ना उनके आदेश पर तुम्हारे एक आवाज लगाने से। कौन हो तुम? जब तुमसे बार बार कहा था कि रख विश्वास, तू है शिव का दास, तो क्यों अपने विश्वास को मारा तुमने? साक्षात रूप में आएंगे तभी पहचानोगे। ओ शिव के दास, अब भी नहीं हो रहा मुझ पर विश्वास? तुम भी आजकल के भक्त ना, सब लाइव स्ट्रीमिंग चाहिए तुम लोगों को। जानते भी हो पिछले 17 घंटे में क्या हो गया था तुम्हारे पीछे? देखो मेरी तरफ मत देखो, ये तुम्हारे कर्मों का फल है, देखो इसे। ये उसने साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट है। तो ये सब उन्होंने पैसे के लिए किया, प्योर एक्सटॉर्शन सर। सेक्स एजुकेशन एंड ऑल दैट वाज जस्ट अ ड्रामा। बट लुक एट गॉड्स जस्टिस आल्सो, ही मेट विद एन एक्सीडेंट। आई डोंट बिलीव दिस। Anyway, out of court settlement हो ही गया है तो I'll dismiss the case. सब बर्बाद हो गए प्रभु। कुछ फायदा भी हुआ है। मामा जी और क्या करते हैं? ऐसे पकड़ के गोद में लेते थे, पप्पी लेते थे, और इधर पे पप्पी लेते थे। बैठे हैं मंदिर में।
पंत के अंतिम दर्शन कर सकता हूँ प्लीज डॉक्टर? क्यों नहीं जाइए। पांडे जी कहाँ जा रही है? आखिरी दर्शन करना चाह रही है। किसका? उनका। भैया ये पूरा पेपर लिए? ये छोटे डॉक्टर है, बड़े डॉक्टर आए हैं, उनने कहा कि मारे को कुछ नहीं हुआ तो जा सके कांति। छोटे? लेकिन उससे बड़ा डॉक्टर कौन है यहाँ? डॉक्टर महाराज, आपकी रक्षा के लिए जो चाल बदलने का लगा, कोई उसका क्या बिगाड़े जो भक्त कुमार का लगा। जय श्री महाराज। नंदे, मुझे जानो है मंजे पोती सही है ना आपकी? लेकिन बिल हम देख नामक अफसर पूरे भारत में घूमी घूमी के भ्रमण करी करी के
अंग्रेजी सरकार को या रिपोर्ट दियो कि अगर हिंदुस्तान को भारत को गुलाम बनानो है तो सबसे पहले इनकी सांस्कृतिक धरोहर, शिक्षा पद्धति व गुरुकुल को नष्ट करो। वह गुरुकुल जहां काम शास्त्र भी पढ़ाया जाता तो महाराज, और ब्रिटिश एडुकेशन एक्ट 1835 लागू कियो महाराज। और दुख की बात यह है कि आज 75 साल हो गए महाराज स्वतंत्र हुए, स्वाधीन हुए महाराज, लेकिन आज तक हम अपने बच्चों को वही शिक्षा पद्धति पढ़ाते आ रही है महाराज। और कहां ये अंग्रेज हमसे लूट के ले गए, और पूरे यूरोप में सेक्स एडुकेशन पढ़ा पढ़ा के स्वयं को मॉडर्न आधुनिक और हमें सांप सफेदों बिच्छू का देश कहने लगे महाराज। महाराज कहीं है ये बेस्ट सेलर, पूरी दुनिया का बेस्ट सेलर, और यहां हम लोग आपस में लड़ी दिया है। तेरे पापा ही है ना? हाँ पापा ही है। विवेक, did you do the right thing? क्या वो सही था? Answer honestly, विवेक। No, ma'am. That's it, sir. Ma'am, जो भी मैंने किया वो गलत नहीं था। जिस जगह किया, yes, that was my mistake. I'm sorry, sir. Please मुझे स्कूल में वापस ले लो। सर, आप देख रहे हैं कितनी बेशर्मी से he's accepting कि इसने कुछ गलत नहीं किया। यहाँ इतनी भीड़ में इतने बच्चे हैं, but I'm sure किसी में इतनी audacity नहीं होगी जो बोले कि masturbation is correct. Masturbation is a sin, विवेक। Objection, my lord. No, it's not a sin. I do masturbate. पापा के साथ। Where is your father? I want to see your बेशरम पापा। We need sex education. Yes, me too. Talk to us about periods. We need sex education. Yes, we do. Yes, I agree with that. बाबा को अपनी गलती महसूस हुई और वो मेरे सबसे लड़े। लेकिन मैम, मुझे आप ही बता दो, मुझे ये सब कौन समझाने के लिए है जो गूगल पे सेक्स लिखने से आता है? There are terms like abuse, violence, ये सब कौन डिफाइन करेगा मेरे लिए? Sexually transmitted disease, inappropriate sexual behavior, unwanted pregnancies, misogynistic attitude, good touch, bad touch, consent, किसी का वीडियो बना के अपलोड कर देना जो मेरे साथ हुआ, इट्स टू वास्ट। जो भी मेरे साथ हुआ, व्हाट आई हैड टू गो थ्रू, व्हाट माय फैमिली हैड टू गो थ्रू, मैं नहीं चाहता कि ये किसी और को भी सहना पड़े। प्लीज सर, and Pranlal Mathur, the fact that
इन सभी ने कांति शरण मुद्गल को एक चेक दिया दैट प्रूव्स कि ये लोग अपने आप को दोषी मानते हैं. एंड इट्स वेरी इरोनिकल दैट सर्वोदय इंटरनेशनल स्कूल व्हिच इज एफिलिएटेड टू ब्रिटिश करिकुलम पर ब्रिटिश सेक्स एजुकेशन सिलेबस पढ़ाना नहीं चाहता. और ये कोर्ट मानता है कि विवेक की इस हालत के लिए सर्वोदय इंटरनेशनल स्कूल एंड एजुकेशन बोर्ड इज रिस्पॉन्सिबल. और ये कोर्ट एजुकेशन बोर्ड को आदेश देता है कि जल्दी से जल्दी सिलेबस में रिफॉर्म्स किए जाएं. और आप सब लोग 11 रुपए 21 रुपए 51 रुपए 101 रुपए जल्दी से जल्दी अभी कांति शरण मुद्गल को कॉम्पनसेशन के नाम पर अभी दीजिए ताकि वो महाकाल पर चढ़ा सके. एंड आई ऑर्डर द स्कूल टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दोज हु मेड विवेक्स वीडियो. एंड कोर्ट ऑर्डर्स विवेक को स्कूल में वापस लिया जाए. सेम क्लास सेम बेंच. ऊंचे ऊंचे वादे